जय माता दी। भोजपुरिया खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बिहार का स्पेशल घेवड़ बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने जूसर जार में देसी घी डाल दिया है 4 चम्मच। उसके बाद हम कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं। उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। देख लीजिए, ग्राइंड कर लिया है इसे हमने। अब इसके अंदर हम 1 ग्लास दूध डालेंगे। उसके बाद मैदा डालेंगे। मैदा आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपको चाहिए घेवड़ उतना ही डालें आप। देख लीजिए, मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। 200 ग्राम मैंने मैदा लिया है। 100 ग्राम पहले लिया था, उससे ग्राइंड कर लिया। उसके बाद 100 ग्राम दोबारा डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसे में दूध भी डाल देंगे। उसके बाद ग्राइंड कर लें इससे अच्छे से। देख लीजिए, ग्राइंड कर लिया इसे हमने। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसे दूसरे बर्तन में निकाल लिया है हमने। अब इसे मिक्स करते जाना है। देख लीजिए, इसी तरीके से आपको मिक्स करना है इसे। ये ठंडे में ही बनता है। देख लीजिए, इसे ऐसी कंडीशन में बनाना है आपको। देख सकते हैं जैसे कि आप। अब इसे क्या करेंगे, इसे लेंगे। अब ये हमने रिफाइन ऑयल ले लिया, उसके अंदर ऐसी करके डालेंगे। देख सकते हैं, ऊपर ही ऊपर थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छे से डालेंगे, ताकि तेल के अंदर ये अच्छे से घेवर का शेप ले ले, जैसे कि मैं कर रही हूँ। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। देख लीजिए, इसी तरीके से आपको करना है इसे। इसे पूरे हाई फ्लेम पे पकाना है, लो या मीडियम पे नहीं पकाना है, तभी ये बिल्कुल अच्छे से जालीदार से होगा। हाई फ्लेम पकाना है, लो फ्लेम पे नहीं पकाना है। और इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर करके डालते जाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसे पकने देंगे, हाई पे ही पकाना है इसे। देख लीजिए, ये हमने बना लिया है इसे पूरे हाई पे, और मैं इसे निकाल दे रही हूँ। देख लीजिए, इसी तरीके से आपको सबको बना लेना है। मैंने इसी तरीके से सबको बना लिया है। आप भी इसे सब अच्छे से बना लीजिएगा। इसी तरीके से आप चीनी लेंगे, उसके बाद इसे पूरा अच्छे से खौला लेंगे। इसी की मैं खौला ले रही हूँ, ये हो गया है। आप इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद देख लीजिए, घेवर लेंगे, उसके ऊपर हम पहले ये हम इसका चीनी का शिरप डालेंगे इसके ऊपर से अच्छे से, ताकि अंदर से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे, पहले अच्छे से इसका शुगर का शिरप डाल देंगे। ये बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे इसके ऊपर रबड़ी तभी डाल के खाएं, या चाशनी तभी लगा के खाएं जब हमें खाना हो, वरना इस घेवड़ को आप 2-3 महीने तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। देख लीजिए, इसी तरीके से अच्छे से इसके ऊपर रबड़ी लगा देंगे। उसके बाद हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा दिया है इसके ऊपर, ताकि खाने में और भी टेस्टी लगे। और जब इसे खाना है तभी इसे सजाइए और मस्त से खाइए। प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा एक बार कैसा लगा आपको ये। इसी तरीके के आने वाले वीडियोस में आपके शेयर करती रहूँगी। देख लीजिए, कितने अच्छे से हमारे घेवर बन के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल इजी वे से। कितने अच्छे देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ही टेस्ट लगेंगे। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।